इफ्तारी में कैसे परहेज करे भाई, पकोड़ा छोड़ सकता है कोई इफ्तारी में? अब किसी डॉक्टर को बोलते हो वो बोले पकोड़े नहीं खाओ, साहब पकोड़े नहीं खाओ दुनिया छोड़ देंगे यार, इफ्तारी में हम समोसे कैसे छोड़ सकते हैं? और कराची की गर्मी के रोजे, इतने टफ रोजे, इतनी गर्मी में इंसान बैठे और खिचड़ी खाएगा क्या इफ्तारी में भाई? तो हम कहते हैं भाई आदमी कुछ खाए तो तमीज के साथ। और याद रखो ये पकोड़ा इतना नुकसानदेह चीज नहीं है जितना इसको बदनाम किया जाता है। बात में आ रहा हूं मौजू की तरफ, छोटा सा आपको एक हल्की सी बात इफ्तारी के हवाले से बता दूं, समोसे नुकसान देते हैं, पकोड़े नुकसान नहीं देते। समोसे मैदे के बने हुए होते हैं, वो नुकसान देते हैं। समोसा अगर खाना है अंदर के आलू निकाल के खा जाओ, उसके मैदा ना खाओ, वो जो होता है ना पापड़ उसका, वो मैदा है, वो नुकसान देगा। पकोड़ा है बेसन, बेसन सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज है,